हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करनी तो बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि माधुरी चौहान के केस में क्या हुआ कि उनके पीएम रिपोर्ट में फाइनल हो चुका है कि माधुरी चौहान ने खुदकुशी नहीं की है, अपने से फांसी नहीं लगाई थी और उनको लगाया गया है, और फांसी लगाया नहीं गया है दोस्तों। उसमें उनका गला दबा के या मुँह दबा के, मतलब दम घुटा के उनको मारा गया है। तो इसमें कौन मारा गया है अभी ये नहीं फाइनल हुआ है दोस्तों, और इतना फाइनल हो गया है कि उनका दम घुटने से हुआ है, और बहुत ही दिमाग से, बहुत साथी दिमाग से काम किया गया है दोस्तों। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जो मालती के साथ ऐसा किया है, मालती को मारा है, तो उनको सजा होनी चाहिए। और प्रशासन से भी हमारा गुहार है कि मतलब जो भी मालती के साथ ऐसा किया है तो उनको सजा जरूर देना चाहिए, कि क्योंकि बहुत गलत हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। चलो, मालती की गलती रही, मालती गलत थी, अनजाने में हो गया, कैसे हो गया, और भी विष्णु राज अपने चलते किए हैं उसको बदनाम, कि मैं मालती को बदनाम करूंगा, अर्जुन के साथ लगाऊंगा तो मैं खुद शादी करूंगा। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि मालती गलत थी, मालती गलत थी, मालती गलत थी, मालती गलत थी, तो मालती अपना मतलब गलती मान रही थी। ये नहीं कि वो की है तो मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, ऐसा तो नहीं बोली थी। तो दोस्तों, बहुत ही गलत हुआ है, अभी देखते हैं। और रिपोर्ट में सबको नहीं बताया गया है कि मतलब कौन, उनके घर वाले को बताया गया है कि मतलब इनका दम घुटने से हुआ है, तो उनको मारा गया है। तो देखते हैं अभी, ये भी पता जल्दी चल जाएगा दोस्तों कि कौन मारा है। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि कोई बाहरी तो नहीं मारेगा, कि घर में विष्णु ही मारेगा, और विष्णु अकेले नहीं मार सकता है दोस्तों। ये भी है, आप लोग जान ही सकते हैं कि विष्णु अकेले नहीं मार सकता, उसको एक दो जन साथ में रहे होंगे तो मिल के मारे होंगे, कोई तो मारा होगा साथ में मिल के, क्योंकि अकेले मारते तो मारती खुद ही उनको मार देती। इतनी हिम्मत थी उसके, उसका उतना पावर था कि वो विष्णु को खुद ही मार सकती थी, लेकिन वो किसी के साथ में मिल के किए हैं तो बहुत ही गलत किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी के बदौलत एक कमा खा रहे थे, इतना आगे बढ़ गए थे, और पहले अश्लील वीडियो बना बना के बेचारी का इतना वायरल किए कि वो आज फेमस हो गई थी, और उसी के चलते सब कुछ हुआ, घर बनवाए, किए वो किए, सब किए, आज उसी को दुनिया से हटा दिए। तो दोस्तों, देखते हैं, आप इंतज़ार होता है कि कौन मारा है, कौन नहीं मारा है, सच सामने आ जाएगा, इतना सामने आया तो वो भी आ जाएगा। तो देखते हैं, वीडियो में बने रहिए, ठीक है दोस्तों। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि क्या बोलें, इतना मतलब हम लोग को इतना अफसोस हो गया, बहुत सारी पब्लिक को अफसोस हो गया, बहुत जो मालती के सपोर्ट में थे, बहुत सब लोग कितना रोए हैं, मैं खुद रोई हूँ, और इतना गलत हुआ। कई दिन हम लोग मतलब अभी तक तो वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा है कि कैसे शॉर्ट वीडियो बनाया जाए, क्या किया जाए, इतना अफसोस हुआ है मालती के मरने का। तो और गलती है इसमें राधिका राज की, तो राधिका राज को कैमरे पर लाया नहीं जा रहा है, तो उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए, वो तो अपना वीडियो बना रही हैं, और उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए क्या हुआ था क्या नहीं, क्योंकि मालती ने अपने वीडियो में सब कुछ सब सच बता दिया था कि क्या हुआ था क्या नहीं, और किसकी वजह से विष्णु राज मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो वीडियो में बता ही दी थी, आप लोग वीडियो देखे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और देखते हैं, और कौन मारा है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो बाय बाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं वीडियो में एक कमेंट कर देना, और आप लोग की क्या रहा है कमेंट करके बताना। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना, नए लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय दोस्तों।